देखिए फ्रेंड, एक और हम हमारा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि हमारा क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस का क्वेश्चन है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन हमारा? कहता है लेट एक्स बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन, एक्स हैज थ्री डिसज्वाइंट सबसेट विच आर डेंस इन एक्स, एक्स हैज एन डिसज्वाइंट सबसेट विच आर डेंस इन एक्स, एक्स हैज countable number of disjoint subset which are dense in X and X has uncountable number of disjoint subset which are dense in X. X क्या है? कोई subset है real number का। Okay, एक काम करते हैं, हम X को क्या मान लेते हैं? हम X को हमने मान लिया R। क्या मान लिया हमने X को? R। अब डेंस की, अब मैं बात करूं, अगर एक्स को मैं आर ले लेता हूं, इसके मैं डेंस सबसेट की बात करूं, मैं दो सबसेट ले लिया। एक तो सबसेट मैंने ले लिया क्यू। मैं ये जानता हूं क्यू का जो क्लोजर है वो क्या आता है? आर आता है। सिमिलरली आप ले लीजिए इरेशनल नंबर का सेट, यानी कि क्यू के कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर, दैट ऑल्सो ए आर। इसका मतलब ये जो क्यू है और ये जो इरेशनल नंबर का सेट है, ये दोनों के दोनों क्या है? हमारे डेंस सबसेट है आर के। क्या है ये? डेंस सबसेट है। ओके, अब एक सेट मैंने बनाया और मैंने सेट का नाम रख दिया एफ अल्फा या एफ बीटा। एफ बीटा में क्या डाले मैंने? ये मैंने सेट लिया क्यू प्लस बीटा टाइप का मेंबर। वेहर बीटा जो ये मेंबर है, ये कहां बिलोंग करता है? ये हमारा बिलोंग करता है क्यू के कॉम्प्लीमेंट में। कहां बिलोंग करता है? ये क्यू के कॉम्प्लीमेंट में। ओके, और हम ये जानते हैं अगर ये सेट क्यू प्लस बीटा, इस ये जो सेट बन के तैयार होगा, पहली बात तो मैं ये जानता हूं कि जब इसका जब मैं क्लोजर करूंगा, क्या करेंगे जब हम इसका क्लोजर करेंगे, तो ये पूरा का पूरा रेशनल तो है ही, साथ में ये बीटा किसका है? इसका है। क्लोजर करने से कंप्लीट कवर हो जाएगा हमारा ये सी का, यानी कि ये क्या जाएगा? पूरा का पूरा आर। पहली बात तो ये, क्या ये जो एफ बीटा है इसका जब हम क्लोजर करेंगे पूरा का पूरा आर आएगा, यानी कि हम ये कहेंगे ये जो एफ बीटा मैंने फैमिली बनाई है, बीटा वन बोल दो चाहे इसको, बीटा वन क्या है? ये इज डेंस है। किसके अंदर है? आर के अंदर। ओके, अब दूसरी बात ये देखो, ये जो बीटा आपने उठाया है ये कहां से उठाया है? क्यू के कॉम्प्लीमेंट से। ओके, अब ये जानते हैं हम क्यू का जो कॉम्प्लीमेंट है इज अनकाउंटेबल। क्या है ये? अनकाउंटेबल है। अगर ये अनकाउंटेबल है, जैसे मैंने एक बिट्टा वन लिया, सिमिलरली एक नई फैमिली बना दी मैंने बिट्टा टू, और उसमें क्या रखा? क्यू प्लस बिट्टा टू, और क्या रख दिया कि जो ये बिट्टा टू है ना, ये डिस्टिंक्ट है बिट्टा वन से, और ये बोल दिया बिट्टा टू भी किसका मेंबर है? क्यू के कॉम्प्लीमेंट का मेंबर है। ये मैंने बना ली, यानी कि कहने का मीनिंग मेरा ये है कि क्यू प्लस में क्या किया मैंने? यहां अल्फा रखा, और अल्फा जो मेंबर है मैंने किसका ले लिया? क्यू कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट का ले लिया, और ऐसे ले लेके मैं फैमिली बनाता चला गया। तो इसका मतलब आप ये बताओ, ऐसी मैं कितनी फैमिली बना पाऊंगा जितने हमारे पास इसके पास मेंबर है? क्या हम इसकी उतनी फैमिली बना सकते हैं जितने की क्यू के कॉम्प्लीमेंट के पास मेंबर है? और क्यू के कॉम्प्लीमेंट के पास डिस्टिंक्ट मेंबर है कितने? इसके पास अनकाउंटेबल मेंबर है। कितने हैं? अनकाउंटेबल है, यानी कि, और अच्छा दूसरी चीज मैं ये जानता हूं, ये जो सम है क्यू प्लस बीटा वन, बीटा वन क्या है? इरेशनल, और बीटा टू भी इरेशनल है। अगर हमसे कोई ये पूछा जाए ना कि क्यू प्लस रूट टू और क्यू प्लस रूट थ्री ये है, अगर इनका आपसे ये पूछा जाए इंटरसेक्शन क्या आएगा, तो हम क्या बोलेंगे? कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, यहां फाई आएगा, ये डिसज्वाइंट होंगे। और दूसरी बात, ये इस टाइप के जो मेंबर होते हैं इनका जो कॉम्प्लीमेंट होता है, क्या होता है? जो इनका कॉम्प्लीमेंट, ये हमेशा क्लोजर, ये क्या होता है हमारे पास? ये पूरा का पूरा आर कवर करते हैं। ओके, यानी कि ये जो फैमिली है क्यू प्लस अल्फा, वेयर अल्फा बिलोंग टू क्यू कॉम्प्लीमेंट, ये जो फैमिली बन के तैयार होगी अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, ये सभी के सभी क्या होंगे? पहली बात तो दैट इज द सबसेट ऑफ
ये क्या है क्यू का सबसे, ये आर का एक सबसेट है। आपको सर आर का क्यों है, मैं कहूंगा आर का सबसेट है, इसके अंदर कंप्लीट एवरी रेशनल नंबर नहीं है, इसके अंदर ये आर का सबसेट, आर के इक्वल नहीं, इसका क्लोजर जो आएगा वो आर बनेगा। ओके यानी कि ये जो सेट हमने लिया एक्स को आर, इसके पास कितने है, जितने की हमारे पास इरेशनल नंबर है उतने हम क्या बना सकते हैं, डेंस सबसेट बना सकते हैं। आपने दो फेमस उठाए हैं क्यू और आर, तो क्या ये फेमस है, क्यू भी डेंस है और क्यू का कॉम्प्लीमेंट भी डेंस है, और भी तो सबसेट है जैसे ये इस टाइप के मेंबर, ये भी क्या होते हैं, डेंस होते हैं, किसके अंदर, क्यू के अंदर, सॉरी आर के अंदर। दूसरे शब्दों में हम आर क्या है, हमारे पास अनकाउंटेबल है। दूसरे शब्दों में हम ये जानते हैं अगर कोई अनकाउंटेबल सेट अगर ले लिया जैसे हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये रैशनल लेके और इरेशनल वाला उठा के हम जब ऐड करके जो बनाते रहेंगे वो सभी के सभी डेंस सबसेट होते हैं। क्या होते हैं, वो सभी डेंस होते हैं। इसका मतलब ये जो x है, x जो कि मैंने क्या लिया है, सेट ऑफ रियल नंबर है, x विद द सेट ऑफ रियल नंबर्स, x जो है वो r है, इसके पास जो है हमारे पास कितने काउंटेबल सबसेट, इसके पास कितने डेंस सबसेट है, अनकाउंटेबल डेंस सबसेट है, इसके पास कितने है, अनकाउंटेबल डेंस सबसेट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो सही है। दूसरी बात, इसके पास जब अनकाउंटेबल है तो काउंटेबल तो होंगे ही। देखो अब बच्चे यहां पे फिर वही गलती कर गए, क्या सपोज करो आपके पास 10 रुपीज है और आपसे मैं ये पूछता हूं कि आपके पास 5 रुपीज है, आपको यस 10 है तो 5 तो है ही। जब इसके पास एक्स हैज अनकाउंटेबल नंबर ऑफ डिसजॉइंट सबसेट विच आर डेंस, यस एक्स के पास जब अनकाउंटेबल डेंस सबसेट है तो एक्स के पास काउंटेबल भी तो है। अगर यहां पे ये कहता एक्स हैज ओनली काउंटेबल नंबर ऑफ डिसजॉइंट सबसेट तब तो ये रॉन्ग होता, या इसने ये कहा सिर्फ एक्स हैज काउंटेबल नंबर ऑफ डिसजॉइंट सबसेट विच आर डेंस इन एक्स, यस है काउंटेबल, सॉरी जब हां सॉरी क्यों ठीक है, जब अनकाउंटेबल है तो काउंटेबल तो है ही, दैट इज ट्रू। तीसरा, एक्स हैज एन डिसजॉइंट सबसेट विच आर डेंस, यस एन भी है, जब अनकाउंटेबल हो गए तो फाइनाइट भी होंगे, दैट इज ट्रू। फिर एक्स हैज 3 डिसजॉइंट सबसेट विच आर डेंस, यस 3 का यहां कोई लॉजिक नहीं है, 3 बोलो 4 5 6 कुछ भी बोलो ये ट्रू है, जब अनकाउंटेबल है दैट ऑल्सो ए ट्रू। यानी कि इसके चारों के चारों ऑप्शन सही ऑप्शन है। ये जो क्वेश्चन था दैट इज डिपेंड अपॉन दिस रिजल्ट, अगर हमारे पास क्यू प्लस में इरेशनल नंबर कर दिया जाए कोई और जब वो उसका हम क्या निकालते हैं, वो सेट क्या होता है, डेंस होता है, वो क्या होता है, वो डेंस होता है, इसके ऊपर ये डिपेंड था। आई होप ये क्वेश्चन नहीं किया होगा, मुझे जहां तक लगता है ये क्वेश्चन आपने स्किप किया होगा, कोई नहीं, अब जो गेट का होगा उसके अंदर ये गलती नहीं करना, ये चीजें जो है आपको ये पता चले उसको नोटबुक में लिख लीजिए ताकि ये चीजें आपके माइंड में सेट हो जाए। आई होप ये रिजल्ट आपको, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।